हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले कि आप आपके बाइक का घर पे मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं चेन का। तो आज हम आपको चेन लूप किस तरह करते हैं वो बताने वाले, तो बने रहे वीडियो में। तो चेन लूप करने के लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डीजल और एक चेन स्प्रे, जो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मोटुल का, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का चेन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तो पूरी चेन पर डीजल मार लेना है, दोनों साइड से मारो, पूरी चेन डीजल से गीली कर दो। इससे क्या होगा, जो कोई मैल और डस्ट है वो निकल जाएगा और चेन क्लीन करने में आसानी होगी। पहले पूरी चेन गीली कर लो। यहाँ पे पॉकेट पे भी आप थोड़ा डीजल मार दो, जिससे पॉकेट के भी जो गंदे होगी तो निकल जाएगी। थोड़ा सा आगे किस पॉकेट पे भी आप थोड़ा सा ऑयल मार दो। अगर ज्यादा ही चेन डस्ट होगी तो इस पॉकेट का कवर खोल लो, फिर उस पे ऑयल मारो, सॉरी डीजल मारो। अभी आपको क्या करना है, इस ब्रश से चेन क्लीन कर लेनी। और गाइस, आप है ना कभी भी पेट्रोल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि पेट्रोल से जो इस चेन में जो ओरिंग होती है वो डैमेज होती है और इससे आपकी चेन की लाइफ कम हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आप अगर चेन क्लीन कर रहे हो तो एक तो चेन क्लीनर मंगाओ, केरोसिन या डीजल से चेन क्लीन करो। अभी चेन को एक कपड़े से क्लीन करके लो। चेन को हमने डीजल से वॉश कर लिया है, अभी आपको क्या करना है, और एक बार पानी से भी चेन को वॉश कर लेना है, जिससे जो भी डस्ट और मिट्टी होगी वो सब कुछ निकल जाएगा। तो चलो लेकिन पानी थोड़ा प्रेशर रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मली मग से भी वॉश कर सकते हो। अभी चेन को एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लो और उसे पूरी तरह से ड्राई कर दो। देखो गाइस, आप देख सकते हो गाइस, चेन पूरी तरह से अभी क्लीन और वॉश हो चुकी है। अभी हम इस पर ऑयल स्प्रे करेंगे, जो मोटुल का ऑयल है वो स्प्रे करेंगे।
गाइस स्प्रे ज्यादा भी नहीं मारना, सिर्फ जो अपनी चेन ड्राई होगी उसे थोड़ी सी ऑयली करना है। अगर ज्यादा पारोगे तो उस पर ज्यादा डस्ट जमा होगी, तो इसलिए वो ज्यादा डस्ट पकड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा नहीं मारने का, थोड़ी हल्की सी इस पर लेयर बनानी है ऑयल पे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे आगे के चेन्स पॉकेट पे भी थोड़ा सा ऑयल मार दो। तो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी कुछ मैं राइड का प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं अब कब जाते हैं उसके लिए चेन। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।